के लिए, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सौगातों का सिलसिला भी लगातार बढ़ता जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सीहोर दौरे पर रहने वाले हैं। इस सिलसिले में विकास कार्यों की सौगात यहां पर मुख्यमंत्री देंगे। आदिवासी सम्मेलन में भी शामिल होंगे। खजूरी माइक्रो सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन यहां पर आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो कई सारे विकास कार्यों की सौगात आज मुख्यमंत्री यहां पर दे सकते हैं। सीहोर जिले के लिए आज सौगातों भरा दिन हो सकता है। आदिवासी सम्मेलन का मुख्य तौर पर आयोजन यहां पर, साथ ही साथ खजूरी माइक्रो सिंचाई परियोजना जिसका भूमि पूजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज करेंगे। ग्वालियर की आगे बात करेंगे। सिंधिया का ग्वालियर चंबल दौरा लगभग तय हो चुका है। आज से ग्वालियर चंबल दौरे पर ही ज्योतिरादित्य सिंधिया डटे रहेंगे। कई कार्यक्रमों में शामिल होना है। 20 अगस्त को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी यहां पर हो रही है। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का यहां पर पहुंचना आप समझ सकते हैं कितने फोकस कर रही है पार्टी ग्वालियर चंबल अंचल को लेकर। 21 अगस्त को दतिया में एयरपोर्ट का भूमि पूजन भी होगा। 23 से 24 अगस्त को ग्वालियर चंबल के आयोजनों में शामिल हो रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। यानी कि सिलसिलेवार पार्टी स्तर पर कई सारे कार्यक्रम हैं और इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह दौरा ग्वालियर में बेहद महत्वपूर्ण। और भोपाल से अगली बड़ी जानकारी, 20 अगस्त को प्रत्याशी चयन को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक होने वाली है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में छानबीन समिति की यह बैठक, कांग्रेस की बहुत जल्द ही लिस्ट भी जारी होगी। इस तरह की भी अटकलें, अपने प्रत्याशियों की घोषणा जल्दी कांग्रेस कर सकती है। पीसीसी चीफ कमलनाथ सहित तमाम पदाधिकारी इस बैठक में भी मौजूद रहने वाले। मध्य प्रदेश की पर्यटन अध्यात्म और संस्कृति मंत्री और खंडवा जिले की प्रभारी उषा ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने एक बार फिर से महू से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। वर्तमान में महू की विधायक होने के साथ ही प्रदेश सरकार में मंत्री उषा ठाकुर ने यह भी कहा कि भाजपा में कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये कोई नहीं कह सकता। बिलौरा स्थित नजर निहाल आश्रम पहुंची थी मंत्री और यह भी कहा कि संगठन जहां जिसे चुनाव लड़ने का आदेश देगा वो वहां से चुनाव लड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये कोई नहीं कह सकता। संगठन जहां से जिसको आदेश देगा वो वहां से चुनाव लड़ेगा। मैंने महू में सेवा की है, संगठन महू में आदेश देगा तो मैं आदेश स्वीकार करूंगी और सेवा करूंगी। विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल लगातार गरमाता हुआ और इससे लेकर सियासत भी चरम पर है। इस बीच स्पार्क्स पार्टी के संरक्षक भीराराल त्रिवेदी ने एक बड़ा बयान दिया है। एक बार फिर से सियासत को सुलगा दिया अपने बयान के जरिए। कहें खरगोन में जिला पेंशनर्स के कार्यक्रम में पहुंचे थे हीरालाल त्रिवेदी। कहा कि भाजपा और कांग्रेस प्रदेश में वोट लेने के लिए रिश्वत देने का काम कर रहे हैं। पेंशनर्स की समस्याओं और मांग को लेकर स्पार्क्स अब सड़कों पर उतरने वाला है और सरकार चुनाव को लेकर वोट के लिए जमकर पैसा भी लूट रही है, ये भी आरोप लगाया गया। पेंशनर्स के डीए का पैसा रोककर सौतेला व्यवहार करने के आरोप लगाए। छत्तीसगढ़ की चर्चा करेंगे। कथित कोल स्कैम को लेकर ईडी की ओर से हाईकोर्ट में रिट पटिशन क्रिमिनल दायर की जा चुकी है। जिन्हें आरोपी बनाया गया है उनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई की मांग की गई। स्पेशल कोर्ट रायपुर में अभियोजन परिवाद दायर किया गया। परिवाद 280 पन्नों का है और अभियोजन में 11 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। मामले में दो कांग्रेस विधायकों को भी आरोपी बताया गया। विधायक देवेंद्र यादव और चंद्रदेव राय का इसमें नाम शामिल है। रायपुर की अदालत में रानू साहू के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। कोयले वाले स्कैम को अग्रिम जो हमारा इन्वेस्टिगेशन आगे चल रहा था उस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए हमने निखिल चंद्राकर और रानू साहू जो कि आईएएस अधिकारी हैं उनकी गिरफ्तारी की थी और गिरफ्तारी करने के बाद आज उनके विरुद्ध हमने उनके और 9 अन्य के विरुद्ध, निखिल चंद्राकर, रानू साहू और 9 अन्य के विरुद्ध एक अभियोजन परिवाद माननीय स्पेशल कोर्ट रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया है। हमारा जो अभियोजन परिवाद है वो लगभग 280 पन्नों का है, लेकिन जो हमने जो रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके आधार पर हमने अपना केस को और इस अभियोजन परिवाद में 11 लोगों को हमने अभियुक्त बनाने के लिए माननीय न्यायालय से प्रार्थना किया है, जिसमें प्रमुख नाम निखिल चंद्राकर, मनीष उपाध्याय जो कि सुखे रानू साहू हैं जो तत्कालीन समय में कोरबा कलेक्टर रही थी, उनके हमने लगभग जो प्रॉपर्टी अटैच करके ऑलरेडी रखी हुई है, और उसमें विधायक हैं दो, देवेंद्र सिंह यादव और चंद्रदेव राय, ये दोनों विधायक हैं, ये भी उसमें प्रमुख अभियुक्तों में हमारी प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में हमने उन्हें शामिल किया है और टोटल अभियुक्तों की संख्या 11।
उज्जैन से अगली बड़ी खबर, जहां बस ने महिला को कुचल दिया है। मौके पर ही महिला की जान जा चुकी है। बस का पहिया महिला के ऊपर चढ़ा, ऑफिस से घर की ओर महिला जा रही थी। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। चामुंडा माता मंदिर चौराहे की पूरी घटना, उज्जैन में हादसा, लापरवाही पूर्वक ये हादसा घटना पाया गया है। बस से महिला को कुचला गया, मौके पर ही इस महिला की जान जा चुकी है। बस का पहिया, ये बताया जा रहा है कि महिला के ऊपर चढ़ गया और अचानक से इस महिला की मौत हो गई। ऑफिस से घर की ओर लौट रही थी और उसी दौरान महिला के साथ ये हादसा हुआ। उज्जैन से बड़ी खबर, बस ने महिला को कुचला है, दर्दनाक पूरा हादसा, मौके पर ही महिला की जान चली गई। इस तरह सा हादसा हुआ कि महिला को बचने का भी समय नहीं मिला, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि अचानक से पहिए की चपेट में आने के चलते इस महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दर्दनाक पूरी घटना, महिला के ऑफिस से घर लौटते वक्त यह हादसा पेश आया। चामुंडा माता मंदिर चौराहे की पूरी घटना। उज्जैन से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सड़क हादसा जिसमें एक महिला की घटनास्थल पर ही जान जा चुकी है। बस ने महिला को कुचला है, मौके पर ही महिला की जान चली गई। बस का पहिया महिला के ऊपर चढ़ गया, लापरवाही के शोर से हुई ये जांच का विषय। पुलिस के संज्ञान में आया है मामला और मामले की जांच लगातार की जा रही है। चामुंडा माता मंदिर चौराहे की पूरी घटना है, बेहद ही दर्दनाक है पूरी घटना। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज आपकी टीवी स्क्रीन पर। अचानक से ही ड्राइवर ने बस को मोड़ा और उसके बाद महिला टायर की चपेट में आई और अचानक से जमीन पर गिर जाती है। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, लापरवाही बस ड्राइवर की तरफ से और इसे लेकर चूंकि तस्वीरें सामने आ चुकी हैं तो पुलिस ने भी संज्ञान लिया है ड्राइवर की तलाश में। और साथ ही साथ दूसरी तरफ से महिला भी मुड़ रही होती है, अचानक ही दोनों ही वाहनों की टक्कर और उसके बाद बस चालक बस लेकर आगे की ओर रवाना हो जाता है। तो दर्दनाक पूरी घटना, इसे लेकर ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस के लिए जांच का आधार फिलहाल बनते हुए, मौके पर ही महिला की जान जा चुकी है। एक बार फिर से देखिए हादसे की तस्वीरें, ऑफिस से घर लौट रही थी महिला, अचानक से बस के मुड़ने से महिला स्कूटी सहित बस की चपेट में आ गई, टायर महिला के ऊपर चढ़ा और घटनास्थल पर ही उस महिला की मौत हो गई। बेहद ही गंभीर पूरी घटना, दर्दनाक तस्वीरें। पुलिस इन तस्वीरों के आधार पर बस ड्राइवर की भी तलाश कर रही है। आसपास देखिए, अचानक से जैसे ही आभास हुआ कि एक गंभीर दुर्घटना घटी है, लोगों के बीच भी अफरा तफरी का माहौल, लेकिन बस ड्राइवर को इस बात का पता तक नहीं चला कि उसने किसी को टक्कर मारी है। लापरवाही पूर्वक बस को आगे रवाना करता हुआ ड्राइवर भी तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा। दोनों ओर से ही लापरवाही क्योंकि स्पष्ट होती है तस्वीरों के जरिए। फिलहाल ये घटना जांच का विषय है।